हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बारिश के बिना दम तोड़ रही बाजरा की फसल, किसानों की हालत पतली। बागोड़ा उपखंड क्षेत्र में बिना बारिश के खेतों में खड़ी वर्षादु बाजरा व अन्य कटोल जलने के कगार पर पहुंच चुकी है। धरती पुत्रों के चेहरे पर अनाज व पशुओं के लिए चारे की चिंता साफ झलक रही है। बागोड़ा उपखंड मुख्यालय समेत रंगाला, खोखा, जैसावास, बिजलिया, मेया की दाणी, छाजला, राउता, वाटेरा, नवापुरा, नादिया, चैनपुरा, लाखनी, भालनी, बाली सहित समूचे क्षेत्र में किसानों ने अपने खेतों में पहली बारिश होने पर बाजरा, मूंग, मोठ, गवार समेत अन्य कटोल की बुवाई कर दी। मगर एक डेढ़ माह से इंद्र देवता रूठे होने से खेतों में खड़ी बाजरा फसल जल गई है तो कहीं जलने के कगार पर पहुंच गई है। किसानों ने बताया कि 2 साल से कोरोना संक्रमण ने हालत खराब कर दी और इस बार कुछ आस जगी थी कि जमाना अच्छा रहेगा, पर बारिश नहीं होने से हजारों हेक्टेयर में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है और अब खाने के लिए अनाज व पशुओं के चारे की चिंता हमेशा खाए जा रही है। किसान कासम खां मिरगंज व लक्ष्मणाराम साहू रंगाला ने बताया कि इंद्र देवता रूठ गए हैं, अब सरकार पर आस बंधी है कि उनके बर्बाद हुए बाजरा फसल के नुकसान की भरपाई कर अकाल घोषित कर किसानों को सबल दे। इस संवाददाता ने सोमवार को खोखा, रंगाला, सोबड़ा, वास व बिजलिया गांव का दौरा कर खेतों के हालत जाने व किसानों से रूबरू होने पर वर्षादु फसलें जल गई हैं तो कहीं पर 2-4 दिन में बारिश नहीं हुई तो बची कुची भी जल जाएंगी। वहीं जिनके खेतों में बिजली उपलब्ध है वहां जरूर बाजरा फसल में सिंचाई होने से अधिविकसित खड़ी है। यही हालात रहे तो अनाज, पशु चारा व पेयजल संकट पैदा होने की संभावना है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए किसान कासम खां मिरगंज खोखा इन्होंने ये कहा। कासम खां जी, आपने खेतर में जो आज बाजरी बोई है, आप बरसात हुए? हाँ बरसात। अच्छा, तो बरसात हुए तो अब काम हुए इनमें? बरसात हुई नहीं, बाजरी खत्म हो गई है। अच्छा, बारिश नहीं हुई, जो खत्म हो गई? खत्म हुई भी। अच्छा, तो इनमें सरकार से कोई मांग थोड़ी? मांग हमारी हो जो सरकार दे तो माजो काल भरे अन कांड थी और डाल लगो तो इन धन माते से निर्भर हो? ठीक है, बीजा अपन ट्यूबवेल बीजा कोई नहीं। अच्छा, बाकी आपने ट्यूबवेल वगैरह कोई नहीं? जागरूक टीवी के बागोड़ा से रिडमलदान राव की रिपोर्ट।